आप एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वर्ष गौरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं रायपुर से। मुख्यमंत्री की उप सचिव के घर कार्रवाई खत्म हो गई है। सौम्या चौरसिया के घर आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म हो गई। सौम्या चौरसिया के बैंक के खाते और लॉकर सील कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी और लेन देन के तमाम दस्तावेज इनसे जो संबंधित है उनको बरामद कर लिया गया है। एक सप्ताह से ये जांच जारी थी और जांच की प्रक्रिया जो आज खत्म हुई है, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। एक सप्ताह से जारी थी जांच की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री के उप सचिव हैं सौम्या चौरसिया के घर आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म हो गई है। बैंक खाते और लॉकर को सील कर दिया गया है। प्रॉपर्टी लेन देन के संबंध में दस्तावेज भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। पिछले एक सप्ताह से ये कार्रवाई की प्रक्रिया जारी थी। सौम्या चौरसिया के बैंक खाते और लॉकरों को सील किया गया है। प्रॉपर्टी के लेन देन के संबंध में दस्तावेजों को बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईडी और आईटी ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शुरू की, जिसमें रडार पर 264 लोगों के नाम थे और लगातार पिछले एक हफ्ते से कई जगहों पर ताबड़तोड़ दबिश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया के यहां भी पिछले एक हफ्ते से ये कार्रवाई जारी थी और अब वो खत्म हो गई है। इस दौरान प्रॉपर्टी से संबंधित कागजातों को बरामद किया गया है। लॉकर और बैंक के जो अकाउंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सौम्या चौरसिया के घर आयकर विभाग की कार्रवाई जो पिछले एक हफ्ते से जारी थी वो अब खत्म हो गई। सुप्रिया पांडे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। सुप्रिया, क्या और खुलासे? एक हफ्ते से जो आयकर विभाग की कार्रवाई सौम्या चौरसिया के यहाँ चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। कई दस्तावेजों को बरामद किया गया है और क्या ताजा जानकारी आप दे पा रही हैं? मुख्यमंत्री की रूप सचिव सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर की जांच मंगलवार की देर रात पूरी कर ली गई है। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी और लेन-देन के दस्तावेज इसे जांच के लिए जब्त किया गया है। बताया जाता है कि यह प्रॉपर्टी सौम्या के साथ ही उसके परिवार वालों और करीबी रिश्तेदारों के द्वारा खरीदी गई है। इसमें प्रमुख रूप से कृषि भूमि, फॉर्म हाउस, रिहायशी जमीन बताई जाती है और इसके संबंध में पूछताछ कर संबंधित लोगों का बयान भी लिया गया है। वहीं इसका मूल्यांकन करने के लिए स्थानीय आयकर विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा। उपस्थिति दर्ज कराने का उपस्थिति दर्ज कराने पर इसके संबंध में दोबारा पूछताछ भी की जाएगी। कुछ रिएक्शन है सौम्या चौरसिया की तरफ से? आयकर विभाग ने तो 27 फरवरी को महापौर और उसके भाई आईएएस और कोई रिएक्शन सौम्या चौरसिया की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। जांच के बाद वो कार में बैठकर रवाना हो गई है, लेकिन उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने से इनकार किया है। और जब उनके घर की तलाशी ली जा रही थी तो सौम्या चौरसिया मौजूद थी वहां पर और उनसे भी काफी समय तक ये पूछताछ की गई है। उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई है आयकर विभाग की टीम के द्वारा। बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी सौम्या चौरसिया की? बॉडी लैंग्वेज तो ये थी कि सौम्या चौरसिया हाव भाव से पता चल रहा था कि उनके घर पे पूछताछ की गई है और सौम्या चौरसिया जो है वो उस पर ही आरोप लगाया गया है कि मतलब आयकर विभाग की टीम के द्वारा तलाशी की गई है, जिसमें सूत्रों के अनुसार ये जानकारी भी मिल रही है कि 3 करोड़ की नकदी के समेत 150 करोड़ जो आयकर विभाग ने अभी तक की जो छापामारी की है उसके अकॉर्डिंग सौम्या चौरसिया समेत तो जितने भी कारोबारियों के यहाँ पे छापामारी की गई है उनके संबंध में करीब 3 करोड़ नकदी समेत 150 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए। चलिए आप बनी रहिए, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में संविलियन की